वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए दिल्ली स्थित एम्स ने अपने ट्रॉमा सेंटर इमारत को कोविड 19 के अस्पताल में तब्दील करने का निर्णय लिया है। ट्रॉमा सेंटर में ज्यादातर सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों का इलाज होता है। जानकारी के मुताबिक अभी इसे कोविड 19 अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में इसमें 260 बिस्तर होंगे। एम्स प्रशासन जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करेगा। आपको बता दें कि एम्स का काम पहले की भांति चलता रहेगा, क्योंकि आइसोलेशन बिल्डिंग तैयार करने में अभी वक्त लगेगा। साथ ही मरीजों को भी उचित वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका काम चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर में अभी 242 बिस्तर हैं तथा इसमें 18 और जोड़े जाएंगे। कुल बिस्तरों में से 50 आईसीयू के बिस्तर हैं और 30 या 40 उच्च निर्भरता वाली इकाई हैं। सेंटर के पास करीब 70 वेंटिलेटर हैं। बताया जा रहा है कि जरूरत के हिसाब से इस क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है।